गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स का हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय पाँच, इसका शीर्षक है नींद। बच्चों, ये कहानी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग इस कहानी का प्रश्नों के हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न का, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? उत्तर है, नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा के बिना अपूर्ण है। सेकंड, लूसी की मैत्री किससे होगी? उत्तर है, लूसी की मैत्री एक गुटिया कुत्ता से हो गई। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? जन्म के बाद लूसी का एक बच्चा सीप के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। अगला प्रश्न, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता? उत्तर है, किसी परिचित को आता देख नीलू धीरे धीरे भीतर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। लेखिका से, मैं आ रही हूँ, सुनने पर ही वह बाहर जाकर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता। अगला प्रश्न, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? उत्तर है, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लूसी की मृत्यु कैसे? उत्तर है, लूसी एक संध्या के चुटपुटे में ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में प्राण शक्ति अर्थात सूंघने की क्षमता के कुछ कुंठित हो जाने के कारण लकड़बाघे के आने की गंध पाने में असमर्थ रही और उनका आहार बच गई। अगला प्रश्न है, नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? उत्तर, आकृति की विशेषता के साथ उसके बाल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार पर भी वह एक छलांग में पार कर लिया। रात्रि में उसका बार बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता कंपित कर देता। अगला प्रश्न है, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था? उत्तर है, नीलू के स्वभाव में हिंसा प्रकृति का कोई चिन्ह नहीं था। उसे कभी भी किसी पशु पक्षी पर झपटे मारते नहीं देखा गया। नीलू का यही स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। अगला प्रश्न है, इन दिनों नीलू उनके सतत पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। पहला प्रश्न है, यह किन नीलों की बात हो रही है? दूसरा है, नीलू कितना सतत पहरेदार बन जाता था और क्यों? उत्तर, पहला, यहाँ उन दिनों की बात हो रही है जब गौरैया के अंडों से
पक्षी शावक निकल जाते और उड़ने के प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। दूसरा का उत्तर है नीलू पक्षी शावक का सतर्क पहरेदार बन जाता था ताकि उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ला और नादान पक्षी शावकों को हानि ना पहुंचाने पाए। अगला प्रश्न है सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था। इसका उत्तर है सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन अर्थात घास के मैदान में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले क्लास में अगले प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।